हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें अभिषेक कंपटीशन कोचिंग का हिस्ट्री जीएस का पेज नंबर 8 का नोट्स। जिन लोगों ने मेरा नोट्स को बहुत सारे लोगों ने मंगवाया है तो उन लोगों अपना नोट्स को सामने रख के मिलाइए, उसके बाद इसको पढ़िए। इसमें जैसे कि एक पेज में कई बार इसमें 150 क्वेश्चन आता है और ये 150 क्वेश्चन आपको इससे 5 गुना ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करवाता है, यानी याद करवाता है। और हम आपको इसके बारे में बताते हैं जहाँ पर भी कुछ भी होता है तो आपको इसको यानी याद करने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बस आप हमारी बातों को सिर्फ सुनिए, देखना जरूरी नहीं है, और उस चीज़ को आप अपने ये मेरे नोट से आप मिलाइए। तो ठीक है, यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ से स्पीड पोस्ट भेज दूँगा। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री जीएस का पेज नंबर 8। तो 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो वो बना था इल्तुतमिश, जो कि यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत हो चुकी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1211 ईस्वी हो गई थी, तो इसके बाद जो राजा बना था वो बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। भारत में इलबड़ी वंश की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्ताधारी प्रथा किसने चलाई? इक्ताधारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? यानी इल्तुतमिश। भारत पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। किसने प्रशासन के प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की अपेक्षा विशेष गुलामों को वरीयता दी थी, यानी कि स्पेशल पदों पर गुलामों को ही बैठाया था? वो था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। अब देखिए, कुतुब मीनार को बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली और उसका कुछ भाग को बनवाया। उसके बाद जो कुछ भाग जो उसका फिनिशिंग का जो काम था, उसका ऊपर का जो मंजिल था वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। चंगेज खान किस देश का निवासी था? चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? चंगेज खान, यानी कि चंगेज खान के बचपन का नाम था तेमुजिन। ऐतिहासिक कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी, यानी कि भारत की शासिका पहली बार यानी राजा बनने वाली प्रथम महिला थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 में बनी थी। किस राजवंश से रजिया सुल्तान संबंधित थी? यानी गुलाम वंश से थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने पति के साथ किस युद्ध में मारी गई थी? तो अल्तुनिया के युद्ध में। दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री सुल्तान को केवल 4 साल के शासन के बाद तख्त से क्यों हटाया गया था? क्योंकि रजिया सुल्तान को जो अमीरों ने गद्दी पर बैठाया था और वो रजिया सुल्तान उससे बेवफाई कर ले, यानी कि अमीरों के खिलाफ हो गई, उसके खिलाफ काम करने वाले, इसलिए अमीरों ने उसको हटा दिया, यानी कि अमीरों को उसका स्वतंत्र शासन पसंद नहीं था। वहाँ के जो उसको रजिया यानी रजिया सुल्तान जो राजा बनाया था अमीर लोग, वो अमीर लोग को रजिया का स्वतंत्र शासन पसंद नहीं आया, इसलिए हटा दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करवाया था? अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की विधान किसने शुरू किया? यानी कि प्रथा किसने शुरू किया? नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, क्योंकि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए किसी लेखक ने कहा था कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए वो जलालुद्दीन खिलजी के लिए कहा था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किया था? यानी राज्य संबंध में उलेमा, जो कि मुस्लिम कानून का कुछ किताब है, उसका विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको नहीं माना था और राज्य संबंध उन्होंने अपना नियम लागू किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब खलीफा क्या होता है? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को
खलीफा कहते हैं, यानी कि मुसलमानों यानी कि इस्लाम धर्म में जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर जो हुआ वो कहलाया खलीफा, जो अपने आप को घोषित किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। मध्ययुग के उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी। कृषि मंत्रालय बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने कर प्रणाली को सीधे बाजार नियंत्रण से जोड़ के रखा था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और टैक्स जो लेता था भूमि के माप के आधार पर वो टैक्स लेता था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व सुधार यानी कि टैक्स सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि पर कितनी मात्रा टैक्स था, ओह माय गॉड, अलाउद्दीन खिलजी कृषि पर 80% टैक्स लेता था, यानी कि खेती पर 80% टैक्स लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी, सैनिकों के लिए, मैंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के लिए थी। अमीर खुसरो कौन था, अमीर खुसरो एक कवि था यानी पोइट था। 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हुए गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, गाजी मलिक ने। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गाजी मलिक, बाद में अपना नाम क्या बदल के रख लिया, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय आया था भारत, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था, दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से आया था, जो कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था क्योंकि वह किससे डर गया था, वह डर गया था मंगोल आक्रमण से। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक नहर, जलाशय, झील, सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है, वो था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अशोककालीन स्तंभ अम्बाला से दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। अम्बाला कहाँ है, हरियाणा में है। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था, वह कौन था, फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश के संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी कहाँ का था, ये अफगानिस्तान का था। आगरा शहर का निर्माण किसने किया था, यानी आगरा शहर को किसने बसाया था, सिकंदर लोधी 1504 में। जब बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, जब बाबर ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, इब्राहिम लोधी का था। उसके बाद ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को किस मुगल सम्राट ने हराया था, वो था बाबर। दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार शासकों का सही क्रम है, तो इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन और बलबन। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, उसका नाम था खान, KHAN। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था सिपह सलार। दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था, मंगोल से। सुल्तानी राजकाल में खराज क्या था, खराज यानी एक टाइप का एग्रीकल्चर टैक्स था, यानी कृषि कर था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी, वो भाषा थी फारसी। विजयनगर साम्राज्य 1336। अब विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य है, खासकर ये साउथ इंडिया के एग्जाम में यदि जाते हैं तो वहाँ पे साउथ इंडियन से संबंधित ये है विजयनगर साम्राज्य, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पर पूछता है। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था, वो दो भाई का नाम था हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा पे, विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी किनारे। और 1336 में दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक की था। हम्पी किस राज्य का अवशेष है, विजयनगर का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, बेल्लारी में। किस विजयनगर शासक ने तुर्की के दक्ष धनुर्धरों को नियुक्त किया और अपनी सेना की इकाई की क्षमता में वृद्धि की, तो होते देवराय द्वितीय।
कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तुलुक वंश के थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाल यात्री नूनीज किसके समय आया था? अच्युत राय के समय। विजयनगर साम्राज्य वेनिस यात्री निकोलो कॉन्टी था। वेनिस मतलब किसको, वेनिस किसको कहते हैं? वेनिस कहते हैं इटली को। तो वेनिस यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। और इटली के बारे में हमने जितना भी क्वेश्चन को देखा है उसके नाम में टॉ जरूर रहता है। इटली में, इटली के लोगों के बीच में, यानी कि जो भी था उसके बीच में टॉ जरूर रहता है, मैक्सिमम मैंने देखा है। तो निकोलो कॉन्टी इटली। विजयनगर आने वाला पहला इटालियन यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। 1420 में विजयनगर समाज भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी कब आया था? तो 1420 में कहाँ से आया था? इटली से। ये देखिए, ये क्वेश्चन तीन तीन बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तालिकोटा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। बहमनी समाज के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरा नोट्स को मंगवाना चाहते हैं तो हमको कॉल कर सकते हैं ऊपर उस नंबर पे। और सॉरी, नंबर तो वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, 8406891116। यदि आप मेरा कोचिंग डायरेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल रेलवे स्पेशल कोचिंग मेरा ये अभिषेक कंपटीशन कोचिंग, तो आप भी मुझको कॉल कर सकते हैं 8406891116 पे। 4 महीने का टोटल कोर्स होगा, इसमें आपको लोको पायलट का पीटी के लिए जितना भी चीज़ चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल, चारों का तैयारी होगा। इसके अलावा मैं आपको साइको टेस्ट की भी तैयारी करवा दूँगा, यानी पीटी और साइको टेस्ट दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर, सब कुछ मैं आपको शेयर करते रहूँगा अभिषेक कंपटीशन कोचिंग में। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो कि आँखों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, यानी कि मैंने एक वीडियो बनाया जो कि आँख की देखभाल कैसे करनी है, ये पूरा 22 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैंने जस्ट रिलीज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।